बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। आज हमने दोबारा बातचीत करनी है जुनेद कुरैशी साहब से, और जुनेद कुरैशी साहब आज नज़र आता है कि फुली चार्ज हैं और बड़े स्मार्ट नज़र आ रहे हैं, डैशिंग कपड़े पहने हुए हैं। इट मीन्स के सम ट्रबल फॉर मी एंड मे बी फॉर अदर्स एज वेल। लेकिन एनी वे, जुनेद कुरैशी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, एक बात मैं इतराफ़ करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ना, काफ़ी लोगों संजीदा लोगों की नज़र में आ रहा है। वो बड़े गौर से लोग देख रहे हैं, वो मशवरे भी दे रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। मैं उन सब दोस्तों का, साथियों का शुक्रगुजार हूँ जो इसको देखते हैं और कीमती मशवरे देते हैं फ़ोन पर भी और तनकीद भी करते हैं। यानी तनकीद हम वेलकम करते हैं, प्रोवाइडेड वो तहजीब के साथ हो, ठीक है जी। गालियाँ हमने कभी ना दी हैं ना हम बर्दाश्त करते हैं, पर उनका जवाब भी नहीं देते। हमारी ये भी है, हमारी तबीयत का ये भी है कि हम उसको जवाब नहीं देते। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम है, इसका मकसद किसी की टोपी उतारना या कोई ऐसी बात की बेइज्जती करना नहीं, हरगिज नहीं है। हम एनालाइज कर रहे हैं उन वाकयात को जो माजी में हमारे साथ हुए हैं। उस पर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, कुछ लोग कहेंगे कि ये अच्छा हुआ था, कुछ कहेंगे बुरा हुआ था, और इस पर कोई ये होता है ना, एनालिटिकली किसी ने इस पर कोई काम नहीं किया। और बेसिकली बात ये होती है कि जो भी लोग कहते हैं वो अपनी अपनी पार्टी के नुक्ता नज़र से कहते हैं। कोई कहता है जी ये कर दो, कोई कहता है ये कर दो, लेकिन उसको ये दलील नहीं देते कि ये कोई मैकेनिज्म क्या है, या जो माजी में हुआ उसको किसने किया। वाज इट अ कश्मीरी स्ट्रगल, वाज इट अ प्रॉक्सी वॉर, वाज इट अ मिलिटेंसी, वाज इट अ जिहाद, देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स। तो हम उसको जो है ना मुख्तलिफ तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हैं। अब ये मसलन कहे जी भी हमने फलां साहब जो है वो फोत हो गए तो उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो शेख अब्दुल्ला तो जिंदा नहीं है, वो भी फोत हो गए, उनका जिक्र बड़े जोर से किया जाता है। मीर जाफर भी फोत हो गए, उनका जिक्र भी किया जाता है। अब ये कैसे हो कि मीर जाफर का जिक्र किया जाए लेकिन नवाब सराज दौला का जिक्र ना किया जाए, जिसके साथ उसने गाली की थी, या जनरल कलाइव का जिक्र ना किया जाए। ये कैसे हो सकता है कि करबला का जिक्र तो हम करें लेकिन हमें कहा जाए कि यजीद का जिक्र नहीं करना, तो ना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह का करना है। ये पॉसिबल नहीं है। जिसका जो रोल रहा है हमारी नज़र में, हम उसको पोलिटिकली एनालाइज करेंगे। हमारी किसी के साथ ना दोस्ती है उस सेंस में, ना दुश्मनी है। और मैंने हम जो है ना इस वक्त कम्प्लीटली इम्पार्शियल होकर अपने अपनी समझ अपने अपने इल्म के मुताबिक एनालाइज कर रहे हैं। And you have every right to agree or disagree with us. हम मशवरे दें, हम उनको कबूल करेंगे या पढ़ेंगे, कम को सुनेंगे। I leave it at that. I want to go to Junaid Qureshi साहब। कल 17 अगस्त थी, और 17 अगस्त को यानी आपके हीरो, यानी जिन लोगों ने एक्सट्रीमिज्म जो है ना प्रमोट की, जिन्होंने पैलस्तीनियंस को भी मारा, उबर के यानी इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा था कि इतने फिलिस्तीनी हमने नहीं मारे जितने उस वक्त ब्रिगेडियर से वो ज़िया साहब उन्होंने मार दिए। इसके अलावा पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत रोल अदा किया, अफगानिस्तान में भी रोल अदा कर दिया किया। कल उनकी बरसी थी। डू यू वांट टू से समथिंग ऑन दैट क्विकली? थैंक यू चौधरी साहब। हाँ, कल उनकी बरसी थी। वो तो चले गए लेकिन अपना जहर छोड़ गए। वो आज भी उन्होंने जो बीज बोए थे जहर के, नफरत के, फंडामेंटलिज्म के, वो तो हमने काफी दफा इस पे एक दो प्रोग्राम में ज़िया साहब की बात काफी हुई कि किस तरीके से उन्होंने एक रैपिड इस्लामाइजेशन पाकिस्तान की सोसाइटी की, पाकिस्तान की मिलिट्री की, कश्मीर की, अफगानिस्तान की। तो मतलब बाकी उनका हिसाब खुदा के दरबार में होगा, लेकिन साउथ एशिया तो भुगत रहा है उनके 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 लगाए हुए बीच और जो पौधे और जो दरख्त बन गए। दरख्त बन गए या जंगल बन गया? अच्छा, जंगल ही बन गया। आप तो मतलब आप देखे ना कि कितने पूरा साउथ एशिया तबाह हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान का अपना माशरा हो गया, हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, कश्मीर में है। तो हाँ, उन्होंने तो मतलब जो करना था वो तो कर लिया, तो मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ। अब वो चले गए हैं तो बट आई स्ट्रॉन्गली कंडेम व्हाटएवर ही डिड। एंड वो कहते हैं ना कि खुदा के दरबार में देर है अंधेर नहीं है, तो वो ही निपटेंगे।
चलिए जी, देखें ये है कि मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जिया इज नॉट देयर, लेकिन इस लेगेसी कैरीज ऑन, जो कुछ उन्होंने किया था वो अभी तक जारी है, उसका मिशन जारी है, और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको जारी रखे हुए हैं डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट शेप्स। लेकिन स्टिल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक, चूँकि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, यानी जिया साहब की जितनी भी गलतियाँ थी या हमारी गलतियाँ हैं, पूरी दुनिया की जितनी गलतियाँ हैं, अल्लाह की जो रहमत है सबसे बड़ी है। लेट अस प्रे कि अल्लाह उनको जन्नत, उनको माफ करें और जन्नत नसीब करें। ठीक है जी, नाउ फ्लोर इज योर्स। इतनी भी अल्लाह की रहमत से आप उम्मीद ना रखें, लेकिन चलें, दुआ तो कर सकते हैं आप लोग। अच्छा दुआ आप करें। अच्छा मैं तो ये दुआ करता हूँ कि उन्होंने जो किया है उसका उसकी उसके बदले में जिस चीज के वो हकदार है वो उनको खुदा दे। अच्छा चलो ओके जी, यू आर स्लाइटली डिफरेंट। एनीवे मैं तो इसमें काफी जनरस हूँ, मैं कह दूँ अल्लाह उनको माफ करे। ठीक है। अच्छा एनीवे, जहाँ पर हमने छोड़ा था लास्ट वीक, बहुत से पहलू थे, हमने उस पर डिस्कशन की, और जाहिर है भी कुछ कमेंट्स आपको भी आते हैं, कुछ मुझे भी आते हैं। जो कमेंट्स हैं या उन पर हम जो सवाल हैं, उन पर हम शायद नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे कुछ सवाल लेने, लेकिन इस वक्त चूंकि अभी तक हम किसी सही जगह पर पहुंच नहीं सके, तो डू यू वांट टू कैरी ऑन विद व्हाट यू वर सेइंग। हाँ शुक्रिया डॉक्टर साहब, ने आपने बात अच्छी की शुरू में। वो मैंने इससे पिछले प्रोग्राम में जैसे ही हम JKLF की तरफ आ गए और मिलिटेंसी कश्मीर में कैसे स्टार्ट हुई, मैंने तो दो दफा और मैं एक दफा फिर सबसे माजरत के साथ माजरत पहले से ही मांगता हूँ अगर उनको मेरी कोई बात बुरी लगे। मैं यहाँ पर जिस तरह मैंने कहा कि आई एम नॉट हियर फॉर पॉइंट स्कोरिंग, मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ जिस तरीके से हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और पिछली दफा ये हमने एस्टेब्लिश किया था कि इलेक्शन होते हैं और ये एक मिथ है कि रिग्ड इलेक्शंस 87 की उसकी वजह से मिलिटेंसी स्टार्ट हुई। आपके साथ तवील ये बहस हुई कि 84 में लंदन में इंग्लैंड में JKLF ये मिलिटेंसी स्टार्ट कर रही थी और किए भी थे, और मात्रे को मारा भी था, जिसके जिसके जवाब में मकबूल भट्ट को फांसी भी लगी। मकबूल भट्ट साहब के जो वकील हैं उन्होंने तो ये साफ इंटरव्यू में कहा है, लिखा भी है कि अगर मकबूल भट्ट को फांसी ना लगती, अगर मात्रे को ना मारा जाता तो मकबूल भट्ट को फांसी ना लगती, और यहाँ तक कहा है कि जिसने मात्रे को मारा है वो मकबूल भट्ट का को फांसी पे चढ़ाने का जिम्मेदार है और उसका कातिल है। तो ये तो करना चाहूंगा, जो नए सुनने वाले हैं उनके लिए, उनको नहीं पता होगा कि मैत्रेय कौन था। मैत्रेय जो है ना इंडियन एक डिप्लोमेट था जिसको बर्मिंघम में कश्मीर लिबरेशन आर्मी ने किडनैप किया और बाद में उसको कत्ल कर दिया था। ठीक है जी, और उसके बदले में जो आपके जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो जो वकील साहब थे भट्ट साहब के, तो उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि मकबूल भट्ट का कातिल वो आदमी है या वो लोग हैं जिन्होंने इसको किडनैप किया या कराया और उसको मार दिया। अगर ना ये ना इस तरह की बात हुई थी ना जी, तो यहाँ पर अब हम जहाँ हमने पिछली दफा छोड़ा था स्टार्ट करते हैं कि मिलिटेंसी कश्मीर में फिर स्टार्ट हो जाती है। और इस प्रोग्राम के बाद हम मतलब थैंकफुली आफ्टर सो मेनी एपिसोड्स, इस प्रोग्राम के एंड पे मेरी लास्ट लाइन यही है, हुर्रियत एस्टैब्लिश हो जाती है, तो मतलब फिर हम वहां पहुंच जाएंगे जहां हमें असल में पहुंचना था। तो जिस तरह आपने पिछली दफा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने दी थी, कुछ लोगों ने मुझे भी कुछ सवाल भेजे थे, वो ये कह रहे थे जी आपने इसको खालिस्तान के साथ लिंक नहीं किया, पंजाब के साथ लिंक नहीं किया, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम हियर नॉट टू माइक्रो एनालाइज। देखे माइक्रो एनालिसिस ये था सोवियत अफगान वॉर, कश्मीर, जियाउल हक, ठीक है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने खालिस्तान को भी सपोर्ट किया और उनका जो नेक्सस था खालिस्तानियों का वो कश्मीरियों के साथ भी था, बट दैट इज गोइंग टू मच इनटू द निटी ग्रिटी। तो बट इसमें कोई शक नहीं है। और फिर कुछ मुझे ये भी कहा कि जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल था, जमात इस्लामी का बहुत बड़ा रोल था। मैं तो जिया साहब का कल बरसी थी तो उसी उधर से ही स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि हम बाद में HM पे भी आएंगे। देखें जमात इस्लामी नॉर्मली कश्मीर में साउथ के अलावा कश्मीर में उनकी कोई ज्यादा मतलब कोई फुटिंग नहीं थी ग्रास रूट लेवल पे। 52 में ये बनती है कश्मीर में और ये अंटिल मिड 70s एक फ्रिंज एलिमेंट रहता है कश्मीर में जमात इस्लामी जो है।
इसको बूस्ट मिलता है जब जियाउल हक साहब प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिस तरह मैंने पिछली दफा का हिकमत यार को अफगानिस्तान में, इसी तरह जब जियाउल हक साहब प्रेसिडेंट बन जाते हैं पाकिस्तान के, तो जमात इस्लामी पाकिस्तान जो है वो प्रोसेस ऑफ इस्लामाइजेशन पाकिस्तान में स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से इसको भी बूस्ट मिलता है। कश्मीर में भी ये नारा था, मर्दे मोमिन मर्दे हक जियाउल हक, ये नारा वहां भी लगता था, बेसिकली इन द साउथ लगता था। जब जैद साहब प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो फिर ये एक फंडिंग जमात इस्लामी कश्मीर में भी एक उनकी जो विजन ऑफ इस्लाम है उसके लिए एक फंडिंग भी स्टार्ट होती है। अच्छा, हम कश्मीरी काफी वो पैराडॉक्सिकल भी हैं कि जमात को एक सेटबैक भी मिलता है जब 79 में जियाउल हक साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भट्टू को फांसी लगाते हैं। बहुत से कश्मीरियों ने उस वक्त जमात इस्लामी के ऑफिसर्स को हैक किया, और हम तो आज बहुत शोर मचाते हैं ना जब कोई अंग्रेज कुरान उठा के मतलब उसकी कोई बेहुर्मती करता है या जला देता है। बारामूला में कश्मीरियों ने जमात की किताबें, जिसमें कुरान भी है, तफसील भी है, ये चीजें सड़क पे फेंक के इनको जलाया था उस वक्त जब जिया साहब ने बट्टू को फांसी लगाई थी। तो और ये भी एक बात है कि जमात इस्लामी ने 1983 के इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर में 26 सीटों से इलेक्शन लड़ा था, 26 सीट, एक भी सीट जीते नहीं थे लेकिन ये लोग। और फिर जिस तरह का मैंने कहा कि 87 में जमात इस्लामी एंड मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट इन्होंने इलेक्शन लड़े, और उसके बाद मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, या उससे पहले ही इंग्लैंड में स्टार्ट हो गई थी। और सेंट्रल कमेटी ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सेंट्रल कमेटी ऑफ हिजबुल मुजाहिदीन डिक्लेयर्ड इटसेल्फ बीइंग द स्वॉर्ड आर्म ऑफ द जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर। तो ये थोड़ा सा जमात का भी रोल बनता है, उस पे आएंगे एचएम के साथ भी, बट ये मैं उनको, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने कहा था भाई हाजी ग्रुप बना और मैं वही हाजी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, जेकेएलएफ वाले जो हैं वो मिलिटेंसी शुरू करते हैं या वहां से लोगों को बुलाते हैं सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में। तो इसमें एक ये भी कहा जाता है कि एहसन डार साहब का भी बड़ा रोल था, और एचएम के जो लोग हैं या जमात इस्लाम के लोग हैं उनका भी रोल था, लेकिन उस वक्त एहसन डार साहब और मकबूल इलाही जो हैं और एक दो और हाजी ग्रुप से पहले ही क्रॉस कर गए थे, ये उससे पहले ही चले गए थे। एहसन डार साहब ने तो एचएम फाउंड की थी इधर पाकिस्तान में। तो जिस तरह आपने कहा, आप क्या रिकॉर्ड करें, ठीक, ये जो हाजी ग्रुप जिस तरह हमने बात की थी, द इनिशियल्स ऑफ द फर्स्ट फोर पीपल हमीद शेख, अशफाक वानी, जावेद नलका एंड यासीन मलिक, ये बन जाते हैं पोस्टर बॉयज। अच्छा। इससे पहले जिस तरह एहसान डार, मकबूल इलाही, कुछ लोग गए थे, मकबूल भट्ट साहब तो 60s में क्रॉस किया था उन्होंने, तो ये नहीं है कि ये फर्स्ट पीपल थे, बट ये पोस्टर बॉय बन जाते हैं। ये एक्चुअली द फोर्थ ग्रुप थी, दिस वॉज द फोर्थ ग्रुप विच क्रॉस्ड। इसमें थोड़ा सा हमें ये भी देखना है, जो मैं कहना चाहता था कि देखें आर्म स्ट्रगल जो है ये, तो मतलब इसको तो मैं आर्म स्ट्रगल नहीं कहता, ये एक प्रॉक्सी वॉर था, बट आर्म स्ट्रगल के लिए भी थोड़ी बहुत एजुकेशन, अगर वो एकेडमिक एजुकेशन नहीं है तो चले मिलिट्री एजुकेशन होती है, बंदूक का पता होता है। यासीन मलिक साहब क्रॉस करने से पहले पोल बूथ एजेंट थे यूसुफ शाह साहब के, सईद सलाउद्दीन साहब के, उससे पहले यासीन साहब मॉडलिंग मॉडल बनना चाहते थे, वो मॉडलिंग करते थे। अच्छा, मॉडलिंग करते थे। अच्छा। जी जी, यासीन साहब ने एक दो मॉडलिंग के असाइनमेंट्स किए थे अपनी जवानी में, आज भी माशाल्लाह उनकी मतलब बड़े स्मार्ट हैं। जावेद नलका जो है वो नलके फिट करते थे, वो प्लम्बर थे। कहने का मेरा मतलब यह है, मुझे किसी के काम से कोई एतराज नहीं, आई डोंट माइंड कि कौन क्या काम करता है, लेकिन देखिए मुझे मैं एक मतलब विद ऑल मॉडेस्टी आई कंसिडर माई सेल्फ अ वेरी स्मॉल एंड हम्बल एकेडेमिक एट द स्टार्ट ऑफ एकेडेमिक्स। मुझसे जहाज नहीं चलाया जाएगा, मैंने उसकी तालीम हासिल नहीं की है, ना ही उसकी ट्रेनिंग ली है, ना ही मैं शिप का कैप्टन बन सकता हूँ, और ना ही मैं एक आर्मी का जनरल बन सकता हूँ।
मतलब आई हैव नॉट डन दैट। तो ये लोग वो थे जो कुछ और करते थे, किसी और काम में लगे थे, और जब ये पार चले गए पाकिस्तान, जिस बंदे के पास 5 आदमी जिसको मिल जाते थे वो चीफ कमांडर बन जाता था, जिसको 8-10 मिल जाते थे वो सुप्रीम कमांडर बन जाता था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये लड़के जो थे ये शुरू से ही अपनी मौत के मुंह में जा रहे थे, क्योंकि ना हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आर्मी, इनकी कोई एजुकेशन तो वैसी थी नहीं, ना ही ट्रेनिंग थी। तो वैसे तो मुल्कों के मसलन अमेरिका की बहुत बड़ी फौज है, चाइना की बहुत बड़ी फौज है, रशिया की बहुत बड़ी फौज है, और सब एक हर फौज का एक कमांडर इन चीफ होता है। जी जी, कश्मीर में एट द हाईएस्ट 157 थे, क्योंकि 157 ग्रुप्स थी। तो इसका मतलब 157 जो है कमांडर इन चीफ थे, 157 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, उसके साथ में आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप कहते हैं कि भी किसी भी काम के लिए, देखिए आपके पास गाड़ी आ गई है, जब तक आपको गाड़ी की ट्रेनिंग नहीं को देगा, आप लाइसेंस नहीं मिलेगा, पास नहीं करेंगे, आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। और बिल्कुल उसके लिए भी ये होता है कि पास करने के बाद भी आपको बड़ी हिचकिचाहट होती है, डरते हैं आप। तो यहाँ पर जो मिलिटेंसी जिन लोगों ने की, या इवन लेट्स गो बैक टू मैत्रे, क्या उन लोगों के पास कोई किसी तरह की ट्रेनिंग थी, या उनको पता था कि उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, किसी इंसान को पकड़ना, उसको रखना जबरदस्ती आपस में रखना? देखिए, मुझे नहीं पता कि हो सकता है जावेद मीर साहब नल के क्लेशनकोव से ठीक करते होंगे, या यासीन मलिक साहब मॉडलिंग करते थे बंदूकों की। मतलब इनके पास अगर एक दो हफ्ते या 3 हफ्ते रहते हैं, वो मुजफ्फराबाद के किसी कैंप में या मानसहरा के किसी कैंप में रहते हैं, आई एस आई ट्रेनिंग करती है, कोई भी करता है, इसे नहीं कर, तो क्या वो इतने एक्सपर्ट्स हो गए कि दे कैन टेक अ बिग आर्मी, लार्ज आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी ऑफ इंडिया लाइक दैट? आर्मीज की ट्रेनिंग तो सालों साल की होती है। और जहां तक आपने गाड़ी की मिसाल दी, गाड़ी की एक चीज है कि गाड़ी हर कोई डॉक्टर है वो गाड़ी भी चलाता है, कोई प्रोफेसर है वो गाड़ी भी चलाता है, ये चीज तो बड़ी एक स्पेशलाइज चीज है। मेरा पॉइंट ये है कहने का, जो डॉक्टर है उसने मेडिकल प्रोफेशन की ट्रेनिंग की है, क्वालिफाइड डॉक्टर बना, उसके बाद उसने अंडर सुपरविजन काम किया। इसके बावजूद इसे कि प्रोफेशनल डॉक्टर है, तो ड्राइविंग उसी वक्त करेगा जब उसको यहाँ भी पास करेंगे। तो गाड़ी आपके पास पैसा आ गया, गाड़ी आपने खरीद लिया, तो आप उसको चला नहीं सकते। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, यू नीड टू गेट सम ट्रेनिंग। ये तो नहीं होता है कि आपको आप जो है बन के कमांडो बन के, और इनको 8-10 दिनों की इनको ट्रेनिंग मिलती थी। अब आप यही देख लें कि आप ये जो ट्रेनिंग ये लोग जो लेते थे, आप ये देखें, मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। 23 जुलाई 1990 को 30 लड़के मरे हैं वाइल क्रॉसिंग दी एलओसी। मतलब इनके पास इतनी ट्रेनिंग भी नहीं थी ये एलओसी क्रॉस कर सके। देखें, एलओसी एक वेरी माउंटेनियस एरिया है, हार्श रग्ड एरिया है, उधर जाने के लिए भी आप में फिजिकल कुछ एबिलिटी होनी चाहिए, कुछ ट्रेनिंग होनी चाहिए, कुछ स्टेमिना होना चाहिए। तो 23 जुलाई को 1990 में 30 लड़के वाइल क्रॉसिंग मर जाते हैं। सितंबर 6, 1990 को क्रॉस करते हुए मर के क्या उनको इलेक्ट्रिक झटका लगा या दरिया में गिर गए, क्या वजह खाली नहीं। ये इसके अंदर मतलब बर्फ के अंदर, बर्फ के नीचे आ गए, स्लिप हो गए, थक गए, जब थक गए तो गाइड को गला काटना पड़ा, उसको वहां छोड़ नहीं सकते थे। मैंने ऐसे लोगों से बात की है जिन्होंने जिंदा लड़कों की, जिनको फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, जिंदा लड़कों को वहां छोड़ा और जिंदा लोगों की फातिहा पढ़ी और फिर आगे चले गए, क्योंकि 20-50 लोगों का ग्रुप जाता था, उसमें से 8 लड़के अगर मर गए, इस तरह अक्टूबर में 17 मर गए, दिसंबर में 28 मर गए। सो यू आर लुकिंग एट अ नंबर ऑफ 100 इन अ पीरियड ऑफ 5 मंथ्स, क्रॉस करते करते मर गए। अब आप जब कहते हैं ना कि ट्रेनिंग की बात यहां पर इसलिए जरूरी भी आती है, मैं अगेन आपको हुर्रियत बनती है ना 93 में, तो इसलिए टुडे आई वॉन्ट टू गो अंटिल 93 ओनली,
ताकि हम एंड पे यही कहेंगे कि हुर्रियत बनी है। 1988 में श्रीनगर में पहले दो ब्लास्ट होते हैं July 31st पे, जो JKLF करती है। JKLF इसको ओन भी करती है, अमानुल्लाह खान साहब इसको ओन भी करते हैं। 1988 में 29 सिविलियन मारे जाते हैं, एक सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल, एक मिलिटेंट 1988 में, क्योंकि जुलाई में स्टार्ट हुआ है। अब कुछ नंबर्स आपको दूंगा, इनकी इंक्रीज भी देखना। 89 में 32 सिविलियंस, 13 सिक्योरिटी पर्सनल और कोई भी मिलिटेंट नहीं मरता। 1990 में 862 सिविलियंस, 132 सिक्योरिटी पर्सनल, 183 मिलिटेंट। 91 में 594 सिविलियंस, 185 सिक्योरिटी पर्सनल, 614 मिलिटेंट। 1992 में 860 सिविलियंस, 177 सिक्योरिटी पर्सनल, 873 मिलिटेंट्स। और 93 में 1023 सिविलियंस, 216 सिक्योरिटी पर्सनल और 1328 मिलिटेंट्स। इन टोटल इन पांच सालों में, साढ़े चार साल में, क्योंकि जुलाई में स्टार्ट होता है, 3399 सिविलियंस मारे जाते हैं इन मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस, 3399। 2999 मिलिटेंट मारे जाते हैं और 724 सिक्योरिटी पर्सनल मारे जाते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर ये बात, इसका मतलब ये हुआ कि नजर आता है कि टारगेट तो सिविलियन बने हैं। टारगेट तो सिविलियन बने हैं। अच्छा, क्या टारगेट ये था या टारगेट ये क्रॉस फायरिंग में मारे गए या उनको किसने मारा? देखिए, इसीलिए ट्रेनिंग की बात आती है ना। बात ये होती थी कि ये लोग एक जगह पर बैठे हैं और वहां पर आर्मी की सिक्योरिटी पर्सनल की जीप आती है, तो ये क्या करते थे, ये जीप पे ग्रेनेड फेंकते थे। अच्छा, जब तक वो ग्रेनेड वहां पहुंचता था, जीप तो निकल जाती थी, मार्केट में ग्रेनेड फटता था, लोग मरते थे, सिविलियंस मरते थे। ये अलग बात है कि मैं उनका जीप पे ग्रेनेड मारना भी उसको कंडोन नहीं करता हूं। अब मैं आपको, आई नीड 5 मिनट्स फ्रॉम यू, जिसमें प्लीज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जब हमने पिछली दफा ये बात की थी ना कि मैं यहाँ पर आऊंगा कि इनको बूस्ट कहाँ से मिलता है इस मिलिटेंसी का, वो मेन इश्यू है रुबैया सैयद की किडनैपिंग का। बहुत लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन शायद मतलब आपके देखने वालों को नहीं पता होगा। आपको ये पता है कि सैफुद्दीन सोज साहब की बेटी भी किडनैप हुई थी, JKLF ने ही की थी। तो जिस तरह मैंने पिछली दफा कहा ना कि वो सेक्युलर नेशनलिस्ट जमात ये आजादी के लिए नहीं लड़ी थी, इसीलिए मैंने सिविलियंस के मतलब नंबर्स लिए हैं। 3399 सिविलियंस साढ़े चार साल में मारे जाते हैं। अब आपने ये निशानदेही की कि कैसे मारे गए, तो मैंने बता दिया जी, ग्रेनेड फेंका, सिविलियन एरिया में फेंका, यहां तक तो ठीक है। और ये आई नो इट विल बी मे बी अ बिट बोरिंग, बट मैं आपसे 5 मिनट चाहता हूं, और मैंने कुछ नाम लिखे हैं सिविलियंस के जो मारे गए हैं, JKLF ने मारे हैं, तो आपके ये एक रिकॉर्ड रह जाएगा। बट थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन 5 मिनट मुझे इसमें आपसे चाहिए। सितंबर 14 को 1989 पंडित टीकालाल टपलू, प्रेसिडेंट बीजेपी भानमौला श्रीनगर में मारे जाते हैं। अगस्त 1989 मोहम्मद यूसुफ हलवाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैना कदल ब्लॉक प्रेसिडेंट। अक्टूबर 1989 रिटायर्ड जज नीलाकांत गंजू, महाराज बाजार अमीरा कदल में, ये वो जज हैं जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। नवंबर 1989 शीला टीकू मारी जाती है हवा कदल में। फरवरी 1990 AK काजी, फील्ड ऑफिसर JK एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट श्रीनगर में मारे जाते हैं। 1990 जून गिरजा टीकू, कश्मीरी पंडित टीचर बांडीपुरा में, गैंग रेप होता है इसका, उसके बाद आरी से इसके जिस्म के टुकड़े किए जाते हैं। 1990 अवतार कृष्ण कौल, डिप्टी डायरेक्टर फूड सप्लाईज, इनको गोली मारी जाती है। He had inquired into the disappearance of some truckloads of food grain supplies taken away by JKLF activists at gunpoint. February 1990, Lassa Kohl, director Doordarshan Srinagar, apne ghar ke bahar Bhanmola mein mare jate hain.
मार्च 1990 मिसेस एम एन पॉल वाइफ ऑफ एन इंस्पेक्टर ऑफ बीएसएफ किडनैप होती हैं, रेप होती हैं, उसके बाद उनको मारा जाता है। मार्च 1990 शोपियान पुलवामा अब्दुल सत्तार रंजूर जनरल सेक्रेटरी सीपीआई जेएंडके ये अपने घर में मारे जाते हैं। मार्च 1990 अली मोहम्मद बचरू डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गोलियों से मारे जाते हैं। मार्च 1990 टंगमरग अनवर खान तहसील प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस अगवा होते हैं, मारे जाते हैं। मार्च 1990 बी के गंजू इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशनल डिपार्टमेंट में इनका कत्ल होता है जब ये अपने घर में हमारे कश्मीर में यूज होता है ड्रम्स यूज होती हैं चावल स्टोर करने के लिए। ये उस ड्रम में छुप गए थे और इन्होंने जो मिलिटेंट्स थे जेकेएलएफ के ये ऊपर गए और इन्होंने उस ड्रम को ही गोलियां मारी और रिपोर्टेडली इनकी बीवी ने ये कहा कि मुझे भी आप मार दो, अब जब इसको मार दिया है तो उन्होंने कहा नहीं कोई तो बचना चाहिए जो इसके पीछे रोएगा। अप्रैल 1990 मुशीरुल हक साहब वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी किडनैप होते हैं और इनके ड्राइवर के साथ और इनको पीठ में गोली मारी जाती है। अप्रैल 1990 एक नर्स सरला भट्ट किडनैप होती है, 5 दिनों तक उनका रेप होता है, उसके बाद डाउनटाउन श्रीनगर में इनकी इनको मार दिया जाता है और फेंक दिया जाता है। अप्रैल 1990 चार लोग सर्वनंद कोल प्रेमी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में उनके घर में घुसते हैं, उनको उसके बेटे के साथ क्योंकि इसमें डिफरेंट है, हिंदूज भी है, मुसलमान भी है, पॉलिटिकल्स भी है। सर्वनंद कोल प्रेमी अपने बेटे के साथ विनंदर कोल के साथ उनको बाहर निकाला जाता है और उनको मार दिया जाता है। सर्वनंद कोल वो थे जिन्होंने भगवत गीता का तर्जुमा किया था कश्मीरी में और उनके घर में कुरान भी था, वो कुरान भी पढ़ते थे। अप्रैल 1990 शेख अब्दुल जब्बार फॉर्मर मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर मारे जाते हैं। मई 1990 मीरवाइज मौलवी फारूक, 2011 अब्दुल गनी भट्ट साहब ने ये कहा है कि हमारे अपने लोगों ने उनको मारा। मई 1990 प्रणा गंजू और उनके खावन किडनैप होते हैं, सोपोर में औरत का रेप होता है, दोनों का कत्ल होता है। मिसेस जेएल गंजू जून 1990 उनका उनके खावन का और उनकी उनकी बहन का कत्ल होता है श्रीनगर में। बिज बिहारा में गुलाम हसन शाह जून 1990 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के अंकल उनको मारा जाता है। जुलाई 1990 में तेजा धर को मारा जाता है अली कदल में। 1990 में एक पंडित औरत को चलते हुए बटमालू श्रीनगर में गोली मारी जाती है। 1990 जुलाई डॉक्टर शानी लॉक्ड अप अपने घर में करानगर में और घर को आग लगाई दी जाती है। अगस्त 1990 बबली रैना का रेप होता है उसके घर वालों के सामने और उसके बाद उसको गोली मारी जाती है। दिसंबर 1990 मौलाना मसूदी एनसी मेंबर गांधरबल में 87 इयर्स के थे, कैंसर भी था, तब भी इनको गोली मारी गई, जेकेएलएफ ने मारी। जिस तरह मैंने कहा फरवरी 1991 नाहिदा इम्तियाज सैफुद्दीन साहब सोज साहब की बेटी का अबडक्शन होता है। अप्रैल 1991 मोहम्मद शाबान वकील अलसफा के एडिटर अपने ऑफिस में इनको गोली मारी जाती है। ये या लिस्ट तो बहुत लंबी है। I just called a stop करें। यानी आप क्या कह रहे हैं कि इन सब लोगों को इसमें ज़्यादा कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब शामिल हैं, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मेडिकल से प्रोफेशन से भी हैं, इनको आप क्या कहते हैं किसने मारा है? कुछ इसमें से हैं जो इन द लेटर पीरियड है आफ्टर मौलवी फारूक के मारने के बाद, कुछ इसमें से हैं जिनको HM ने भी मारा, बट जितने मैंने सारे लिए नाम इनमें से 80-85% जेकेएलएफ ने मारे। और जेकेएलएफ सेकुलर भी अपने आप को कहलाती है, सेकुलर भी कहलाती है पंडितों। एक बात मैं आपको आपको सुनने वालों को क्लियर करना चाहता हूँ, मैं दावे से ये कहता हूँ जेकेएलएफ के जितने भी यूनिट्स थे ना अब्रोड, उनको किसी को भी इन चीजों का पता नहीं था ना। मैं अभी ये कहता हूँ उनको अभी भी पता नहीं होगा। और जो मैं ये भी बड़े गुस्सूक से कहता हूँ कि जेकेएलएफ जो जिसको सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां पर भी जो मेजोरिटी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी को इन बातों का इल्म नहीं था। वादी के अंदर जो जेकेएलएफ थी उसको कितना पता था मुझे इल्म नहीं है। तो ये दूसरे लफ्ज में जेकेएलएफ वाले जो बहुत से लोग हैं सादे लोग हैं और मोहिबुल वतनी या नेशनलिज्म के नाम पर उनको इस्तेमाल किया गया,
तो जब लोग पंडित या दूसरे लोग नाराजगी का इजहार करते हैं बिकॉज ऑफ एसोसिएशन विद जेक्लैफ, उनको ये भी समझना चाहिए कि बहुत सी बातों का हम लोगों को इल्म ही नहीं था। ये तो अभी आप नाम बता रहे हैं। हाँ ये बात जरूर है, ये मैं क्या कहता हूँ कि आपने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है, मिसल दो आदमी के बारे में, एक ये लोन साहब का कत्ल और मीरबाज साहब का कत्ल, ठीक है। उस वक्त इल्जाम ये लगाया गया था कि ये इंडिया मारे हैं, लेकिन बाद में अल्लाह खुश रखे प्रोफेसर साहब को, बादशाह को, उन्होंने कह दिया कि ये इंडिया ने नहीं मारे बल्कि हमारे अपने लोगों ने मारे। यही बात आई है आपने बात, और मैं इसीलिए जब सिविलियंस की बात हुई मैंने इसीलिए ये क्लियर किया कि हाँ कुछ क्रॉस फायरिंग में मारे गए, कुछ क्रॉस करते करते मारे गए, कुछ उन्होंने सिविलियन मार्केट्स में ग्रेनेड फेंके, गोलियां चलाई, लेकिन टारगेटेड किलिंग्स, ये लोगों के घरों में घुस के मारे हैं, एनसी के लीडर्स मारे हैं, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का अंकल मारा है, लड़कियों के रेप किए हैं, कत्ल किया है, लोगों को घरों में जलाया है, ये टारगेटेड सिविलियन किलिंग्स इन्होंने की है। तो अगर किसी को ये भरम रह गया कि JKLF एक नेशनलिस्ट सेक्युलर जमात थी, तो इन नंबर्स के बाद, एंड दिस इज ओनली, मतलब ये तो दो पेपर पे आए हैं, इसके हजारों हजारों नाम हैं, अब टाइम नहीं देता, बट ये क्लियर हो जाना चाहिए। आई एम श्योर यू हैव एविडेंस फॉर ऑल दैट, यस यस यस। अब हम पूछ लेते हैं, एक बात मैं इजाफा करना चाहता हूँ, लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तशरीफ लाई थी, तो वहाँ पर क्या नाम है इनका, लोन साहब का बेटा, इसको ये आसमा का जो मुखामत है, क्या नाम है उसका, जहन से निकल गया, सजाद, सजाद, तो सजाद ने बड़ी अच्छी, सजाद लोन ने, अच्छा आसमा, मैं ये कह रहा हूँ कि आसमा जो है ना मिसेज मामूटा खान की जो बेटी है, आसमा है, आसमा खान, तो जो सजाद ने यहाँ पर तकरीर करते हुए कहा था कि बेनजीर भुट्टो को मुखातब किया, उसने कहा भाई बेनजीर यानी मैं और आप एक ऐसे, आपके बाप को भी कत्ल किया गया और मेरे बाप को भी कत्ल किया गया, ये लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि एटलीस्ट तू ये है कि अपने बाप के कातलों का नाम ले सकती है, मैं अपने बाप के कातलों का नाम भी नहीं ले सकता, ठीक है। अब मसला ये कहने का है कि ये तो बड़ी अफसोसनाक बात आई कि बहुत से लोगों, अगर आप कहते हैं कि JKLF ने मारा बहुत से लोगों को, तो उसकी वजह क्या थी, उसने टारगेटेड किलिंग क्यों करते थे वो? मैं उस पर अभी आऊंगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस मैं उस पर आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये बूस्ट कैसे मिल गया इस चीज को, ये जो मतलब उससे पहले भी कुछ ग्रुप्स गई थी पार, मेनली ये हुआ कि 8 दिसंबर 1989 को ये जो फर्स्ट ग्रुप्स थी, ये हाजी ग्रुप इसमें शामिल थी, रुबैया सैयद जो थी उनका, उनकी किडनैपिंग होती है, ये 24 साल की उस वक्त लड़की थी, इनकी शादी नहीं हुई थी, आपको पता है कि मतलब ये, मतलब ये कत्ल, ये सारा, ये तो कश्मीर ने कभी इस तरीके से देखा ही नहीं था, बट कश्मीरी खुद, अब कश्मीरी लड़की को जो कुवारी लड़की है उसको किडनैप करते हैं, और ये JKLF करती है, ये आपके ये हाजी ग्रुप वाले ही करते हैं। ये लाल दैद हॉस्पिटल श्रीनगर में एक इंटर्नशिप कर रही थी और इसको वहां से ये लोग किडनैप करते हैं और इसको सोपोर ले जाते हैं और इसको सोपोर में रखते हैं, और ये 5 लोगों की रिहाई की मांग करते हैं, उनमें एक है अब्दुल हमीद शेख, गुलाम नबी भट्ट, नूर मोहम्मद कालवल, मोहम्मद अल्ताफ, अब्दुल अहद वाजा, इन लोगों की रिहाई की मांग करते हैं। ये जो प्लानिंग की थी, ये यासीन मलिक और अशफाक वानी प्लानिंग करते हैं मुश्ताक अहमद लोन के घर में छानपुरा श्रीनगर में, ये वहां प्लान करते हैं, इस लड़की को देखते हैं कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है। अच्छा, इस लड़की, ये जो लड़की है रुबैया सैयद, किसकी बेटी थी, हाँ मैं आ रहा हूँ, रुबैया सैयद जो है ये मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की बेटी थी, महबूबा मुफ्ती की बहन थी, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब उस वक्त हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर थे। ये बताना जरूरी है कि वो होम मिनिस्टर थे? नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये कश्मीरी लड़की थी, ये चाहे होम मिनिस्टर की बेटी हो, रेडे लगाने वाले की बेटी हो, इनको, इनको ये अगर आजादी के लिए लड़े थे ISI की बंदूक लेके, इनको ये हक किसने दिया कि हमारी बेटियों को ये अगवा करेंगे? आप इस पे, आपका पहुंची क्या, लेकिन किसी ने कोशिश करें ना कि उन्होंने, हाँ उनके नजरिए से,
उस नजरिए से किया था कि इसकी वजह से ये जो लोग हैं इनको रिहा कर दिया जाएगा बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस बिकॉज शी वाज डॉटर ऑफ समवन वेरी इम्पोर्टेंट। और इन्होंने क्या किया, JKLF ने कश्मीर की सेंचुरीज ओल्ड की, कश्मीर की सिर्फ नहीं साउथ एशिया की सेंचुरीज ओल्ड की ट्रेडिशन को तोड़ा। एक कुंवारी लड़की को इन्होंने अगवा किया और अपने घर से बाहर रखा, और 9 दिसंबर को अगले ही दिन JKLF ने डेडलाइन दी थी 11 दिसंबर तक की 7 बजे, वरना हम इस लड़की को मार देंगे। तो आपको पता है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब जो हैं वो बड़े घबराए हुए थे, होम मिनिस्टर भी थे। फारूक अब्दुल्ला साहब जो थे वो इन इन लोगों को छोड़ने के हक में नहीं थे, वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। फारूक अब्दुल्ला साहब का ये मानना था, एंड आई सी द मेरिट इन हिज पॉइंट, वो ये कहते थे अगर हमने ये एक दफा कर दिया तो ये लोग जो है इनको ये लगेगा कि हम इस चीज से ये लोग कभी भी हमें हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। इसी के नतीजे में सैफुद्दीन सौ साहब की बेटी भी किडनैप हुई, लेकिन उस वक्त नहीं माना गया। बट आई सी द मेरिट इन हिज पॉइंट एंड आई थिंक ही इज वेरी राइट। बट होम मिनिस्टर साहब मुफ्ती सैयद साहब जो थे उन्होंने मतलब वो होम मिनिस्टर भी थे और उनका फिर घर का मसला भी था, पर्सनल मसला भी था। एंड ही गॉट एक जज साहब थे अलाहाबाद हाई कोर्ट के, पहले J&K हाई कोर्ट में थे, भट साहब उनका नाम था, इन्होंने उनको एज ए मीडिएटर लाया और 13 दिसंबर को ये जो लोग हैं इनको J&K गवर्नमेंट ने छोड़ दिया आफ्टर द इंटरवेंशन इवन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक VP सिंह साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, ऑन हिज इंटरवेंशन। फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी किताब में लिखते हैं दैट VP सिंह साहब कॉल्ड हिम टेलिंग हिम के आप इनको छोड़ दें, एंड ही अंटिल द लास्ट मोमेंट वॉज वेरी मच अगेंस्ट इट। तो उसके बाद इनको छोड़ देते हैं राजौरी कदल श्रीनगर में, और दैट इज द वाटर शेड मोमेंट कश्मीर में। वहां से मिलिटेंट्स को ये लगा कि अब हम कुछ भी अब हम हिंदुस्तान झुक गया, हिंदुस्तान घुटनों पे आ गया, अब आजादी इज व्हाट अराउंड द कॉर्नर एंड नाउ वी विल गो थ्रू विद इट। उस वक्त कहने वाले कहते हैं कि लाख एक लोगों की तादाद में इन मिलिटेंट्स का वेलकम हुआ राजौरी कदल में। राजौरी कदल इज ऑल्सो दे वर एक्चुअली फ्रीड इन फ्रंट ऑफ दी अवामी एक्शन कमिटीज ऑफिस, वहां पर मीरवाइज साहब का जो है, तो वहां पर इनको छोड़ दिया गया। मैं चाहता हूं कि मुझे भी एम्बैरेसमेंट हुई थी इसमें सिलसिले में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया एज ए स्पीकर, आई वाज द ओनली स्पीकर। तो वहां पर उसको बता रहे कि मैं JKLF का था, सेक्रेटरी जनरल था। तो मुझे कहा गया कि जिन लोगों ने इंतजामिया ने कहा कि यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन ने बड़े आदमी भेजे हुए हैं तो आपको जरा तैयार करनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, बातचीत करना मैं मुझे आती है। तो कहने नहीं नहीं आप तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा भी यार गोड़ा गिव मी 5 मिनट्स। तो मैंने 5 मिनट में जो कुछ नोट्स बनाए, तो मैंने बगैर किसी नोट्स के मैं तकरीबन आधा घंटा मैंने बात की। जब आंसर क्वेश्चन आए ना तो वहां पर वो तो मैंने सारी बातों को जवाब दे दिए उनको। तो एक साहब ने पूछा, उसने कहा भी हाउ कैन यू जस्टिफाई द किडनैपिंग ऑफ योर सिस्टर कश्मीरी सिस्टर, यहाँ तो मैं फंड क्या। तो फिर मेरे पास यही था भी देखें यह इसमें उन्होंने किया कहा कि आई डोंट अप्रूव ऑफ इट, लेकिन यह शी वाज केप्ट देयर लाइक अ सिस्टर। तो कहने लगा उसने कहा अच्छा अच्छा तो आप सिस्टर्स को अगवा करने में लाइक सिस्टर्स रखते हैं, तो ये कितना भी मजम्मत की। तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था सीधी सी बात में। तो दैट वाज द वेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट इन माय पॉलिटिकल करियर। तो मैं उसको कोई जवाब नहीं कर दे सका था और ना ही जवाब बन सकता है, ना ही मैं इसका इल्म था। हमने भी जो पढ़ा सुना अखबारों में था। मैं इस वक्त भी कहता हूँ कि जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ है, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए, लेकिन JKLF की जो ये आम लोग हैं वो इससे बेखबर है। मैं अगेन इसको एम्फसाइज करूंगा। नाउ आई आस्क यू क्वेश्चन, व्हाई डिड JKLF डू दिस, ये लोगों को मारना क्यों किया। JKLF ने लोगों को कत्ल करना इसलिए शुरू किया, मारना इसलिए शुरू किया। देखिए एक तो ये होता है कि एक तो बाय डिजाइन बाय पॉलिसी था कि ये एक नेशनलिस्ट सेक्युलर स्ट्रगल तो थी नहीं, तो पंडितों को मारना तो इनके ये तो साइकी में था। दिस वाज पाकिस्तान्स प्लान टू के आप पंडितों को मारना, यहाँ पर हमें एक इस्लामी निजाम पैदा करना है, तो फिर उसमें हिंदुओं की क्या जरूरत है।
अच्छा यू नो, मैं एक बात इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी आप आए, तो मतलब यह है कि जो जो लोग पीछे बैठे हुए थे प्लानर्स थे, उनके नजदीक ये था कि मुस्लिम नॉन मुस्लिम की कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी पैदा की जाए, जस्टिफिकेशन दैट कैन प्रोवाइड जस्टिफिकेशन ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, वाज दैट द रीजन? दैट वाज द रीजन। एक और रीजन होती है, ये जो देखें नल के ठीक करने वाले को आप सुप्रीम कमांडर बना देते हैं और क्लेशनकोव भी दे देते हैं और चार बंदूक वाले भी दे देते हैं। बात यह है कि एनी पर्सन इन अ पावर पोजिशन, ये तो मतलब वो कोई मतलब देखिए क्यों ट्रेनिंग होती है आर्मी में, ताकि इंसान का दिमाग खराब ना हो कि बंदूक आपके हाथ में है, यू स्टिल हैव टू, आप तब तक फायर नहीं करेंगे जब तक आपका जनरल आपको बोलेगा नहीं, आप रिस्ट्रेंड करेंगे। एक पुलिस वाले के पास बंदूक हमेशा हाथ में होती है, लेकिन जब वो चार छोटे लड़कों को रोकता है कि भाई यहाँ पर आप हेलमेट पहन के मोटरसाइकिल चलाएं, तो वो बंदूक वो गोली भी मार सकते, बट ये उसकी ट्रेनिंग होती है। इन लोगों को इन पावर वेंट टू देयर हेड्स, पावर वेंट टू देयर हेड्स, और उसमें इन्होंने बहुत से लोग, इन्होंने लड़कियों के रेप किए। अब लड़की का रेप करने का कौन सा आजादी नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म के साथ कौन सा ताल्लुक है, ये तो इनकी इनकी जात और इनकी जो खसलत थी वो इन्होंने दिखाई लोगों के रेप करके, मुसलमान लड़की भी पंडित लड़की भी, ऑल्दो आई डोंट मेक अ डिफरेंस बिटवीन द टू, लड़कियों के इन्होंने रेप किए। दूसरी बात, उन्होंने कहा था लड़की तो किसी की तो बेटी है ना, बात ये आती है, उन्होंने कहा था कोई भी, मैं कहता हूँ किसी भी मजहब की लड़की हो। अच्छा, इन्होंने पर्सनल स्कोर सेटल किए बंदूकों के साथ, मोहल्ले में दुकानदारों से कर्जे माफ करवाए, ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में जाके बंदूक दिखा के अपने भाइयों की, अपने कजनों की, अपने रिश्तेदारों की नौकरियां लगवाई, कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाए, ये बंदूक इस्तेमाल हुई पर्सनल गेन्स के लिए। उसमें फिर इन्होंने ये भी देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक सेक्युलर जमात है, एक डेमोक्रेटिक जमात है, और अगर हमें यहाँ पर वो लोग, क्योंकि इनकी सोच तो एक एक, एक मतलब रिलीजियस सुप्रीमेसी की थी, अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग या कांग्रेस के लोग जिनकी ये सोच है कि डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म के तहत चलना है, अगर ये जिंदा रह गए तो हमारी जगह नहीं बनेगी। तो इन्होंने दो चीजें की, इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को कत्ल किया और इन्होंने माइनॉरिटीज को मारना शुरू किया। लेकिन क्या होता है वो, यहाँ पर फिर HM की बात आती है और उसी के नतीजे में फिर बाद में जमात इस्लामी का रोल बनता है और हुर्रियत बनती है। क्या होता है, एक सवाल आता है, क्या सिर्फ JKLF वाले ये कुछ कर रहे थे या जो दूसरे ग्रुप थे वो भी ये कुछ कर रहे थे? वो तो आगे चलेंगे, वो भी इन द इनिशियल, मैं ये कह रहा हूँ कि अंटिल मौलवी फारूक किलिंग इट वॉज ओनली एंड ओनली JKLF ऑपरेटिंग इन कश्मीर। उसके बाद HM comes on the forefront, उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि एक, और ये हमेशा से इनका पाकिस्तान का एक 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 सोच हमेशा से रही, फर्स्ट ऑफ ऑल although JKLF was doing all this, पाकिस्तान was never comfortable with their propagated ideology which was independence. I think it was absolutely, जो इंडिपेंडेंट की सोच थी वो तो ये कुछ कर नहीं रहे थे, but Pakistan was never comfortable with their propagated ideology. Uski wajah thi ki agar JKLF yahan par ye qatl gairat aur ye logon ke rape karke agar ye ubhar ke aa gayi samne wahan par, to inki propagated ideology to independence hi hai. Halanki inki independence Srinagar ke bahar nahi jati thi aur inki independence ka matlab logon ko qatl karna aur rape karna tha. To and the Pakistanis never wanted that the that one group should get most of the power, so they started creating new groups. Aur inhone us waqt ISI ne, and that, at that time ISI ne inki inke paise band kar diye, inka asla band kar diya, aur us waqt HM induct hoti hai. Ab HM kyun induct hoti hai uski kuch reasoning hai. Ek aur reason uski bahut important ye hai, wo fir aapke Amanullah Khan sahab pe baat aa jayegi. उससे पहले मैं एक बात ये करना चाहता हूँ कि हामिद मीर साहब ने डेली जंग 8 जनवरी 1991 में ये लिखा है कि दिसंबर 99 91
डेली जंग 92 जनवरी का, उन्होंने कहा है कि दिसंबर 91 में मुजफ्फराबाद में JKLF के लोगों ने, जो श्रीनगर कश्मीर से आए थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं, उन्होंने जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी, पीपल्स लीग, हिजबुल मुजाहिदीन, JKLF, अमानुल्ला ग्रुप और एक सिनेमा हॉल को तोड़फोड़ की है। अगले दिन सरदार कयूम साहब एक काउंटर डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की ओर से, और ये कहते, और इनको, इन लड़कों को कंडेम करते और कहते हैं कि यहाँ आजाद कश्मीर से चले जाओ, हमें तुम लोगों की जरूरत नहीं है। तो ये रिफ्ट, इंटरनल रिफ्ट जो थी, ये वहां पर भी आजाद कश्मीर में भी स्टार्ट हुई। अब इसमें एक और वजह थी, JKLF ऑल्सो, पहले तो पाकिस्तानियों का ये प्लान था कि हम एक ग्रुप को उभरने नहीं देंगे। मैंने जैसे कहा एट वन पॉइंट 157 ग्रुप्स वैली श्रीनगर में ऑपरेट करती थी और 157 चीफ कमांडर्स थे। तो HM का प्लान पहले से ही था। क्राइटेरिया क्या था? मैंने सुना क्राइटेरिया इसी का था कि अगर पांच आदमी, एक आदमी, चार आदमी साथ लेकर चला जाए LOC क्रॉस कर ले, वो चीफ कमांडर होता था, बंदूक उठा सके, ठीक है, और कहे कि मैं, मेरे साथ ही चार आदमी हैं, पांचों मैं हूं, तो उसको कहते थे कि ठीक है, यू आर कमांडर चीफ, आपको ग्रुप का नाम रखने तो ये क्राइटेरिया था। और इसमें एक और वजह भी होती है, वो होती है JKLF की जो स्प्लिट होती है। कौन सी स्प्लिट? 90 वाली? वो मैं वहीं आ रहा हूँ कि JKLF की स्प्लिट की वजह से, JKLF की जो मतलब ostensibly जो इनकी एक 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 ग्रुप थी, वो ये पहली स्प्लिट होती है, उसके बाद JKLF की बहुत सी स्प्लिट्स होती है, आज मुझे पता नहीं 13 के 14 हैं, बट वो इसलिए होती है कि उस वक्त अमानुल्लाह खान साहब एक उबूरी हुकूमत आजाद कश्मीर में ऐलान करते हैं विदाउट टेकिंग एनीवन इनटू कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट फॉर राजा मुजफ्फर, एक्सेप्ट फॉर हिम नोबडी ही टेक्स इनटू कॉन्फिडेंस, नॉट द JKLF पीपल इन श्रीनगर, नॉट द JKLF पीपल इन UK, नॉट इवन द पीपल इन आजाद कश्मीर। उसके नतीजे में डॉक्टर फारूक हैदर और रशीद हसरत साहब अमानुल्लाह खान साहब को एक्सपेल कर देते हैं। कहाँ रशीद हसरत साहब शुरू किया उन्होंने अमानुल्लाह खान साहब को, खान साहब, खान साहब, खान साहब कहते थे, और एंड पे स्प्लिट के बाद उनको अमानुल्ली कहने लगे। तो लेट मी करेक्ट यू प्लीज, बात यह है कि ओरिजिनल में करेक्ट कर सकता था आपको, लेकिन आपने वो कर दिया, बात अब आगे चली गई है। देखिए ना, सरदार रशीद हसरत ने या डॉक्टर फारूक हैदर ने उनको एक्सपेल नहीं किया था, सेंट्रल कमेटी की 2/3 मेजोरिटी ने किया था। डिफरेंस सेंट्रल कमेटी का इजलास बुलाया गया था और उसमें मान साहब तशरीफ नहीं लाए थे, ना राजा मुजफ्फर तशरीफ लाए थे मेरे ख्याल में, तो 2/3 मेजॉरिटी ने माउंटा खान को एक्सपेल किया था। सो स्टोरी मेरा कहने का ही मतलब था कि राजा मुजफ्फर, ये रशीद हसरत और डॉक्टर फारूक हैदर ने सेंट्रल कमेटी की मीटिंग बुलाई थी ना, दैट वाज दे केम अप विद द मीटिंग। अब इससे ही होता है कि अमानुल्लाह खान साहब इन लोगों को एक्सपेल कर देते हैं इन रिटर्न। इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट इसलिए बनाई थी, कहते हैं कि इनको किसी ने कान में, इट इज सेड कि राजा मुजफ्फर साहब ने कहा था कि जमात इस्लामी जो है उबूरी हुकूमत का ऐलान करने वाली है, मेनली उनमें थे अयूब ठाकुर साहब जो इंग्लैंड में रहते थे, और इनको राजा मुजफ्फर ने कहा था कि वो अगर कर लेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे, तो वो तो फिर सारी जो दे विल स्टील द शो। एंड अमानुल्लाह खान साहब विदाउट थिंकिंग, विदाउट एनीथिंग, वो अगले दिन इस उबूरी हुकूमत का ऐलान कर देते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर इनको कहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, देखें दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट वन, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये इनको ISI ने कहा था करने के लिए, बिकॉज ISI वांटेड द HM टू गेट इन, ISI वाज डन विद द JKLF इन श्रीनगर। दिस हैज नॉट बीन डॉक्यूमेंटेड, बट ये एनालिसिस भी लिया जा सकता है। आई पर्सनली थिंक ही वाज, मतलब उनको तो ये, ही वाज नॉट दैट a man of that intellect that he could reason ke iske baad kya hoga, iske nataij kya niklenge, probably he was told and he was told by Raja Muzaffar, probably Raja Muzaffar was told by the Pakistanis ke bhai
ये करो सो दैट वी कैन स्प्लिट द जेकेएलएफ बिकॉज वी हैव अदर ग्रुप्स वेटिंग. और इसके नतीजे में राजा मुजफ्फर साहब एंड्स अप बीइंग द सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर. आई थिंक आई एम यूजिंग योर वर्ड्स. आपकी आपकी किताब में आई थिंक यू यू एक्चुअली यूज दिस अच्छा एक सुनिए बात यहाँ पर मैं भी एक बात को ऐड करना चाहता हूँ. मेरी जहाँ तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है या लोग जो सा कहते हैं भाई उस वक्त ये था कि डॉक्टर अयूब ठाकुर वगैरह और दूसरे इनकी जो टीम थी ना वो कुछ ऐलान करने वाले थे. बेसिकली उन्होंने तो बनाने थे कि वर्ल्ड फ्रीडम मूवमेंट कोई नाम से उन्होंने कोई तंजीम बनानी थी. और जब मैंने समझता कि मामला खान ने आईएसआई के साथ मिलकर किया था. मेरी अंडरस्टैंडिंग यह है कि मामला खान को मैनिपुलेट किया गया और उसके उनके करीबी साथियों ने मैनिपुलेट किया. अच्छा मैं आप ये कहता हूँ कि अच्छा देखिए यहाँ पर एक बात यह ना जो जिसका मैंने जिक्र मेरी ऑटोबायोग्राफी में है कि मेरे साथ उसको रब्ता हुआ था. उस वक्त मैं लूटन में आ गया था हिजरत करके यहाँ से लोकल हैलिफैक्स में लूटन चला गया था. उस वक्त जे के एल एफ का हेड ऑफिस स्टेट लूटन में था. बाद में मामला खान गए तो उसको उधर भेजा गया. मामला खान जब उधर गए अच्छा तो मतलब है कि 90 की बात कर रहा हूँ तो मेरे एक आई एस आई का सीनियर आदमी आया दुबई से आया और मुझे उससे मीटिंग की. कमरलैंड होटल है हाइड पार्क कॉर्नर के वहाँ पर साथ है एंड ऑफ ऑक्सफोर्ड चीक थी. तो वहाँ पर मेरे साथ उसकी मीटिंग होती है और मुझे कहता है कि अगेन मैं अब अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बन रहा मैं अल्फन कह रहा हूँ कि जो बातचीत उसके साथ हुई. उसने मेरी काफ़ी तारीफ की कि यू आर राइजिंग स्टार इन जे के लैफ और आपने माउंट खान जब जेल में चले गए तो हमें लोगों को डर था कि तंजीम खत्म हो जाएगी. आपने और जाफरी साहब ने मेरे कहा तंजीम को बड़ा बूस्ट दिया इतनी ब्रांचें होगी वगैरह वगैरह बड़ा नाम हो गया और फिर आप यहाँ पर आ गए और आपने आकर संभालना ले लिया. तो उसने कहा कि उसके ऐसे इस तरह किए थे. उसने कहा कि माउंट खान के साथ हमारे वो ऐसा ही पालस कर रहा था क्या था. उसने कहा था कि स्टम्बलिंग ब्लॉक हो गया ऐसे कहा उसने. वी के नॉट वर्क विद दैट मैन एनी मोर बिकॉज ऑफ वट ही हैज डन. ठीक है उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि अपनी जे के लैफ का ऐलान करें. ठीक तो इसका मतलब यह कहने का कि जे के लैफ को वो स्प्लिट करना चाहते थे. उन्होंने मुझे कहा कि आपके सब पहले उन्होंने पूछा कि यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर हमारा पूरा कंट्रोल है यहाँ पर कोई स्प्लिट नहीं होगी. मुझे उसने कहा कि आप ऐलान करें वी विल सपोर्ट यू. मेरी खलूस कह रहे हैं सादगी कह रहे हैं जो मर्जी कह रहे हैं. मैंने उसको उसके ये कहा मैंने कहा भाई माउंट खान इज माई लीडर अगर आपके साथ उसके कोई डिफरेंस हैं यू नीड टू रिजोल्व दोज इश्यूज ओवर देयर. माउंट खान इज माई लीडर आई विल फॉलो हिम डोंट इवन थिंक कि हम जो है ना उसके माउंट खान के खिलाफ बगावत करेंगे. दिस वाज द स्ट्रेंथ ऑफ माई लॉयल्टी टू माउंट खान. ठीक थोड़ी बहुत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपके लीडर की चॉइस पे मुझे बहुत अफसोस है. ठीक है मेरी गलती हो सकती है. ठीक है बट मुझे उस पर बड़ा अफसोस है. और आप वहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी को ये कह रहे हैं कि मेरे लीडर के साथ जाके अपने हिसाब किताब ठीक कर लो. इंटेलिजेंस एजेंसी का चुनाव आदमी लीडर भी बन सकता है ये मैंने पहले नहीं सुना. एक सुने ये बात कर रहा हूँ मैं 1990 की. उसको तक हमें ये भी नहीं पता था कि आईएसआई कितनी इन्वॉल्व है. ठीक है ना मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे पास तो कोई सबूत नहीं था कि ये आईएसआई का आदमी है. ये भी नोट करें मैंने ये एक आदमी मेरे को फोन करता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. उसने मुझसे मुझे कुछ दिखाया था नहीं कार्ड कि मैं आई साई का हूँ. तो मैंने तो उसको तरीके से बात करनी है ना. तो मैं तो नहीं ऐसे कोई बात करना चाहता था जिससे ये पता चले कि स्प्लिट इज ऑन द कार्ड्स. ठीक है ना मैंने उसको जवाब दिया था पॉलिटिकल जवाब दिए थे. हाँ मुझे पता कब चला जब मैं खुद आजाद कश्मीर या इस्लामाबाद यहाँ से हिजरत करके गया रहने के लिए. जिस तरह मैंने आपको कहा Pakistanis were planning to get the HM in and get more Islamic jihadi groups into this. They needed a split. Whether Amanullah Khan was used or he was told, it matters very less because it, at the end it went into a split. And Raja Muzaffar, in your words, page 239 of your book, Raja Muzaffar becomes the so-called Minister for Defense of Kashmir and coordinated all matters related to militancy. यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अगेन कि बहुत से लोग जो आजकल यूरोप में यूके में अमेरिका में बैठ के अमन 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 की बात करते हैं
उनके ये सारे अमन के जो मकान हैं और अमन की डिग्रियां हैं जो उन्होंने अपने बच्चों को दिलवाई हैं, वो सारे कश्मीर के बच्चों के खून पे बनाई गई हैं। ये राजा मुजफ्फर साहब आप अपनी किताब में लिखते हैं, he was responsible for misappropriation of funds to the extent allegation ठीक आप लिख रहे हैं ना, मुझे मैं तो आपको कोट कर रहा हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो आता नहीं, मैंने कहा लिखा था कि एलिगेशन है ऊपर, ठीक बट एलिगेशन किसी चीज से प्रूव भी होते हैं वो तो बकोले आपकी किताब के पेज नंबर 239 कंबल और कपड़े चोरी भी करते थे आजाद कश्मीर में, जो लंदन से भेजे जाते थे वहां पर लोगों के लिए, वहां पर वो कंबले और कपड़े जो हैं जो उनके पसंदीदा लोग होते थे, उनके रिश्तेदार होते थे, उनके दोस्त होते थे, उनको वो देते थे, और जो गरीब कश्मीरी आते थे वहां पर सर्दियों में रहते थे, जिनको इन्होंने आजादी का ख्वाब दिलाया था, उनको लंडे के फटे हुए पुराने कपड़े देते थे। और जब आपने इस पे इंक्वायर किया कि भाई हमने जो भेजा था वो किधर है, तो राजा मुजफ्फर साहब आपको समझाने के लिए रात के 2 बजे क्लेशनकोफ लेके सैफुद्दीन के साथ आपके कमरे में भी आ जाते हैं। वो क्या उसका मतलब था, क्यों आ जाते हैं कमरे में क्लेशनकोफ लेके, वो मुझे नहीं, मैं मेरी पगड़ी उछाल देती है, नहीं आपकी, मैं तो ये कह रहा हूँ दिस स्प्लिट हैपेंड, राजा मुजफ्फर बिकेम द सो कॉल्ड मिनिस्टर फॉर डिफेंस, राजा मुजफ्फर was by many people in your own JKLF was accused of misappropriation of funds, Raja Muzaffar was sending people across, was giving them guns, was coordinating, as in your words again, coordinating all matters related to militancy. Aaj ab Raja Muzaffar sahab ko sune na kis tarah aman ke geet gaate hain America mein baith ke, to time hamare paas thoda sa khatam ho gaya, I'm coming to the end, main ek zat karna chahta hu na जी। जो जो चीजें मैंने मुजफ्फराबाद के रिलेटेड लिखी है ना, उसके बारे में मेरे पास इस वक्त भी एविडेंस है, जेंटलमैन इज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर है, हम दोनों गए थे, वो इन चीजों की तस्दीक कर सकता है। और ये भी जरूर मैं कहूँगा कि जो मैंने तहकीक की थी बाई इंडेंजरिंग माई लाइफ, ठीक है, और जो कंबलू का भी आपने जिक्र किया है कि वो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, आप मुझे अफसोस ये करना कि अब मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा इस पॉइंट को नेक्स्ट प्रोग्राम में, ठीक है आप करें, हुआ क्या था और किस तरीके से गए थे, खाली कंबल नहीं गए थे और बहुत चीजें गई थी, और वहां पर कैसे हुआ था और किस तरीके से मैं ये एक नेशनलिस्ट सेक्युलर जमात थी जो कंबल चोरी करती थी, जो कपड़े चोरी करती थी, जो कश्मीर से 10-10 साल के बच्चों को लाती थी, LOC पे मरवाती थी, पंडित मारती थी, NC के लोग मारती थी, कश्मीरी लड़कियों को अगवा करती थी, कश्मीरी लड़कियों का रेप करती थी, ये हमारी आजादी के लिए निकले थे। ये आप कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहा हूँ, और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, कोई मुझे आके इसका आर्ग्यूमेंट दे दे कि ये सारे नंबर्स, सारे नाम जो मैंने बताए हैं ये झूठ है, कोई मुझे बता दे। बिटा कराटे तो TV पे चढ़ के कहता है कि 22 पंडित मारने के बाद मैंने गिनती छोड़ दी, रुबैया सैयद के तो ये JKLF वाले ये तो मानते हैं हमने छानपुरा में बैठ के इसकी प्लानिंग की। एनीवे आई विल नॉट गेट इनटू दैट, मैं यहां ये पहुंचना चाहता था, ये ना जो आदमी अंदर डिटेंशन हो उसे तो कुछ भी करवाया जा सकता, जो आदमी किस बात कर रहे हैं आप, बीटा कराटे की बात कर रहे हैं ना आप, उसने मैंने भी उसका TV इंटरव्यू सुना, लेकिन जो आदमी पुलिस की कस्टडी में हो जिसको मारा जाए या जदद किया जाए तो उससे तो कुछ भी करवाया जा सकता है। किसने मारे ये जी, मैं जाके मारा, मैं 7 साल का था 1989 में, किसने मारे JKLF, जब ये लोग मार रही है, जब अमानुल्लाह खान साहब TV पे BBC पे कह रहे हैं हाँ जी हमने करवाया, जब आप लोगों ने किताबें लिख दी हैं कि पैसे कहाँ से आते थे, ISI ट्रेनिंग कहाँ देती थी, ट्रेनिंग कैंप कहाँ पर थे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन था, किसने मारा, आप लोग हर हमेशा जो कश्मीरियों पे चढ़ता है वो वहां कश्मीरी बेवकूफ बन जाता है, नहीं जी हमने तो नहीं मारा, और जो हिंदुस्तान पे चढ़ता है उसके लिए तो हर हफ्ते जो है इंडियन एम्बेसी के सामने आप लोग जलसे जुलूस लेके निकालते हो, ये आरिफ शाहिद के जलसे जुलूस तो खत्म हो गए, कोई भी नहीं है, बात यह है इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, जो जो इसमें शामिल थे, जिन लोगों को पाकिस्तानी गोली से मरता है उसके लिए जुलूस जलसे नहीं होते, जुलूस जलसे उसके लिए होते हैं जो इंडियन गोली से मरे, सिंपल सी बात है,
ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आती तो उसकी अपनी मर्जी है। अब सच्चाई ये है कि आईएसआई जेकेएलएफ को वीकन करना चाहती थी, एक स्प्लिट चाहती थी, और जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा था उसको ऑफिशियली जिहाद का नाम देना चाहती थी बाय इंडक्टिंग दीज मिलिटेंट दीज प्रो पाकिस्तानी आइडियोलॉजीज बेस्ड ऑन देवबंदी इस्लामिक सोच, और इन्होंने इंडक्ट ये सबसे पहले करते हैं एचएम को, एंड नाउ आई एम गेट एचएम। इसीलिए जमात इस्लामी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जमात इस्लामी हेल्प्स एस्टैब्लिश एचएम इन इन कश्मीर, और ये सबसे पहला कत्ल जो है मौलवी फारूक का करते हैं, क्योंकि वो भी मौलवी फारूक भी तो मतलब बेचारा आजादी के रास्ते में वही एक पत्थर रह गया था जिसको मारना जरूरी था, उसको कत्ल करना जरूरी था, उसके बाद फिर आजादी हमें मिली रही थी, उसके बाद नहीं मिली, तो ये अपने ही कश्मीरी लोगों को कत्ल कर रहे थे, एचएम सबसे पहले इनको कत्ल करती है। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, कर्म जो है ना, खुदा की दुनिया, मैंने आपको शुरू में बोला जियाउल हक साहब पे खुदा के भूत है कि एचएम ने मारा था। एचएम का बंदा आज भी जेल में है जी, क्या नाम है उसका, जुल्कर नैन है कि क्या है, आई थिंक इट्स जुल्कर नैन। उसके तो लोगों को सजा भी हुई है, एक दो तो निकल आए, आई थिंक वन इज स्टिल इन जेल। ये तो प्रोफेसर गनी भट्ट साहब बाद में कहते हैं ना कि मौलवी फारूक और अब्दुल गनी लोन को हमारे अपने लोगों ने मारा, लेकिन उससे मरते तो ये तो नहीं लगता कि एचएम ने मारा। एचएम के लोगों पे केस हुआ, वो जेल गए। अब फिर आप ये कह सकते हैं नहीं जी हमें इंडियन इंडियन लॉ पे भी हमें कोई हमें हमें भरोसा नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर इंडियन लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन का 370 क्यों मांगते हो? किसी बात पे तो बैठ जाओ ना, किसी बात पे रुक जाओ, कोई बात मान लो। तो क्या होता है कि एचएम क्या करती है, और ये होता है खुदा के घर में, हालांकि आई फील वेरी बैड फॉर दीज यंग बॉयज, बट खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। जो जेकेएलएफ ने किया एचएम वही चीज, जो जेकेएलएफ ने कश्मीरियों के साथ किया एचएम वही चीज जेकेएलएफ के लोगों के साथ करती है। एचएम जेकेएलएफ के लड़कों को मारती है, एंड इंडिया द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्वाइट कंटेंट विद इट, बिकॉज वो भी जेकेएलएफ को जेकेएलएफ के साथ लड़े थे, क्योंकि उन्होंने उनके लोग भी मारे थे, एंड एचएम स्टार्ट्स हेल्पिंग द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस इस हद तक कि जेकेएलएफ के लड़के अपनी जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे थे और कह रहे थे पुलिस को और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को कि हमें जेल में डाल दो वरना ये हमें मार देंगे। तो एचएम जो है, एचएम वाइप्स आउट जेकेएलएफ, और जेकेएलएफ के बहुत से लोग जेल जाते हैं, बहुत से लोग सरेंडर करते हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं। और जिस तरह पिछली दफा मैंने कहा, इन दीज सर्कमस्टांसेस यासीन मलिक वॉज इन जेल एट दैट मोमेंट, एंड इन दीज सर्कमस्टांसेस ऑफ अ फ्यू रीजन, वन ही इज इन जेल, नोबडी लाइक्स टू बी इन जेल। Secondly, ISI stopped the money flow and the funds flow and the weapon flow. Third, HM was targeting JKLF people. So he thought the smartest thing to do is to become a Gandhi now after killing people. Let's become a Gandhi now and announce a ceasefire or hum isko politically approach karenge. Isi surat mein, inhi matlab, in these kind of circumstances, there I come to our main topic is that huriyat banai jati hai, and again to use the words of Asad Durrani sahab from his book, the formation of huriyat to provide a political direction to the movement was a very good idea by us, unquote. So JKLF nationalism secularism ka chola od ke logon ko marti hai, qatl karti hai, ubhar ke group samne aati hai. ISI starts a split. ISI does not want one group to function in Kashmir. It wants to jihadize Kashmir. It wants to Islamicize the Kashmiri, whatever the Kashmiri are asking for. Starts Hizbul Mujahideen. And then in these circumstances, Asad Durrani says, now we needed a political direction, a political face of this movement, and the formation of the Hurriyat Conference to provide that political direction of the movement was a very good idea by us. This is where we come. In this matter, aap jab Jamaat Islami ki baat karte, I need to say this and then I'm done with it. Do you know ye jo Jamaat Islami ke jo inka role kyun banta hai? In this period, Jamaat Islami garnered huge funds in UK and USA.
huge funds were amassed by them, mainly by people like Dr. Ghulam Nabi Fai and Ayub Thakur. And aapko Charar Sharif ke liye, which is a later thing, Charar Sharif ke liye paise jaate the public relief trusts mein, PRTs mein. Sirf Charar Sharif ke liye 36 crore rupya PRTs mein jama hua tha. Aur ye paisa, end of the day, ye paisa, part of this would go to some people in the UK and USA, and some of it would even end up in the divisional commissioner's, divisional commander's pocket in Kashmir. Aur ek bagat mein 157 the, so they need quite some money. So just give me 2 minutes and then I'm going to wrap up. Jis tarah maine aapko kaha, JKLF starts armed, starts militancy terrorism in UK, then starts it in Kashmir, starts killing people, raping people. ISI head wants a split in JKLF, wants to introduce Hizbul Mujahideen with the help of Jamaat Islami. ISI succeeds in getting JKLF split. Hizbul Mujahideen comes on the forefront, starts killing JKLF people, in essence, starts helping Indian security forces. And in this khichdi mein, Asad Durrani sahab kehte hain ki ab ek political direction chahiye thi aur ek political face ke liye humne Hurriyat banayi, which was a very good idea by us. So that is what I had to say today. And next time where I want to take it from onwards is this political direction of the Hurriyat and the establishment of the Hurriyat. Are you saying ke ye jo Hurriyat conference hai, ye ISI ka baby hai? I am not saying, kisne kaha, main kahan keh raha hu? Asad Durrani sahab keh rahe hain, jo ISI ke chief the, military intelligence ke chief the. Mujhe aap kyun phansi lagate hain? Ye to Durrani sahab keh rahe hain, jinhone banayi hai. Acha acha, chalo. अभी आप ये कह रहे थे कि हिंदुस्तानी तो वो जेल में है, बिटकर आटे उससे कुछ भी निकाल सकते हैं. दुरानी साहब ने आजाद 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 जिंदगी में लिखी है किताब, अपने घर पे बैठ के लिखी है. Let me rephrase. But do you believe what he said? जो असद दुरानी ने कहा, आप उसको absolutely no doubt about it. If you analyze this, if you analyze all of this, and that is why logon ka ye bada, isiliye maine aapko shuru mein kaha tha, jab hum Hurriyat pe baat karenge, I want to analyze it from the very beginning. Uski wajah ye, logon ka ye bada aasan hai ye kehna ki ji Hurriyat hamari numaindgi karti hai, Hurriyat karegi. Hurriyat kyun bani, kaise bani, kin halaat mein bani, ye bahut zaruri hai. Jo log ye bhi kehte hain ji JKLF homegrown jamaat hai, नो, JKLF में बहुत से कश्मीरी लड़के होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, थे भी, लेकिन JKLF होमग्रोन नहीं थी. ये सारे आप जब ये कहते हैं कि अमानुल्लाह खान साहब जैसे चेयरमैन जो है JKLF से मिसयूज हो, ISI से मिसयूज हो गए, उनको समझ ही नहीं आई, उनको पता ही नहीं लगा. ठीक है, ऑल्दो आई बिलीव दैट यू डोंट बिलीव दैट, बट नेवरदलेस आप ये कह रहे हैं. तो ये तो बेचारे लड़के थे 16 17 साल के, इनको तो इस्तेमाल किया गया, इनको 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 सैक्रिफिशियल लैम्स बना के इनको ये कत्ल हुए हैं. आज कितने कितने लोग हैं जिनको मतलब कितनी बेवाएं हो गई हैं कश्मीर में, कितने यतीम बच्चे हैं कश्मीर में, उनका किसने कुछ किया करके ना, मेरी अभी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है. अच्छा, फिर ये कहता हूँ मैं आपको, फिर आई जस्ट वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू से दिस मैं I am not in point scoring. मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ. I am not in politics, so I have nothing to gain from this. I have objectively analyzed whatever I have read, whatever I know, whatever I have been told by people who were in this whole movement. और मैंने objectively इसको analyze किया है. किसी को बुरा लगता है, मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम है objectively analyze करना. जिस तरह मतलब ये एक मेरा ये काम है ये देखना कि क्या हुआ. रुबैया सैयद के किडनैपिंग को मैं सही नहीं कह सकता हूँ, लोगों के कत्लो गैरत को मैं सही नहीं कह सकता हूँ. देयर आई मे बी अटैचिंग सब्जेक्टिव वर्ड्स टू इट, बट आई थिंक एवरीवन विल एग्री दैट किडनैपिंग, किलिंग, रेपिंग, दीज आर नॉट, दीज कैन नॉट बी जस्टिफाइड कम वट में. अच्छा, आप मसला ये ना कि आज के प्रोग्राम में कम से कम ये बात साबित होगी कि हम मिलकर नहीं कुछ कर रहे. ठीक है, मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब देते हैं. तो आज आपने मुल्का भी चढ़ाई कर दिया है, मुझे कोई इस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि आप इज पार्ट ऑफ द टीम. अब ये नहीं कि जो जो अच्छे बात है वो तो उसको मैं ऑन करूँ और बाकी को मैं डिसऑन कर दूँ. मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हमें इल्म नहीं था.
मैं एक बात मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगा, ऑलरेडी 1 घंटा 10 मिनट हो गए, वो मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा कि जब HM वाले मार रहे थे ना जेकला को, तो शायद लास्ट प्रोग्राम में शायद किसी में मैंने बताया भी था कि नाम लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कमांडर हाँ, वो मस्जिदों में भी घुस के मारते थे मुझे मुझे बताया गया था जवेद मीर साहब ने, डायरेक्ट मीर साहब उनसे बात हुई थी, वो एक सेफ जगह पर बैठे हुए थे, मेरे साथ उनकी बात हुई, तो उसने कहा भी हमें जरूरत है इसलिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि उसने ये इतराफ़ किया है कि कम से कम जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या इंडियन आर्मी है या पैराट्रूप्स जो भी हैं VSF है, वो जब हम मस्जिद में चले जाते हैं तो वो हमें कुछ नहीं कहते, वो बाहर इंतजार करते हैं। उसने अब HM वाले मस्जिद के अंदर आकर भी मारते हैं हमें, तो कुछ हमारी मदद करें। यानी एक बात तो ये मैं कन्फर्म करता हूँ कि मेरे साथ जवेद मीर साहब की बात हुई थी। फिर उन्होंने कहा जी हमारे पास गोली भी नहीं है, बंदूक है वो लाठी के ऊपर भी इस्तेमाल नहीं हो सकती, ठीक है। फिर जब मैं 1990 में गया क्या कहते हैं लद्दाख कश्मीर और पाकिस्तान, तो वहां पर एक जो गोदाम था, मैं इतना सब कहना चाहता हूँ, जो रात के मैंने 1 बजे के करीब जाकर मैंने उसका ताला तोड़ा था या चाबी ली थी, जो किया था पर मैं देखा था उसमें तो काफी असला पड़ा हुआ था। तो फिर क्वेश्चन ये मैंने रेज किए थे, मैंने कभी किया कि यहाँ पर तो लाखों गोलियां पड़ी हुई हैं, तो फिर पहुंचाई क्यों नहीं जा रही। मेरा क्रिटिकल माइंड है उसमें, यहाँ पर जाने देते हैं, और भी असला पड़ा हुआ था और वहां पर मुझ पर नजर रखी जा रही थी हर तरफ से। ये भी हो सकता था कि रात को वहां पर 1 बजे मुझे मारकर फेंक दिया जाए दरिया में, ठीक है। और जो मेरे साथ साथी थे वो भी कह रहे थे चौधरी तू मेरे भी नाल मरवाएगा, ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर इसी तरह लिखा हुआ तो कोई बात नहीं है। तो मतलब ये कहने का कि जब मुझे पता चल गया कि मेरी जे कैल है बीइंग यूज्ड बाय सीक्रेट एजेंसी एंड यूज्ड प्रॉपर्ली, ठीक है, टू एडवांस देयर एजेंडा, नॉट जे कैल एफ पब्लिकली नोन एजेंडा, वो नहीं था, तो आई रिबेल्ड अगेंस्ट इट। सीधी बात यह है वहां पर कोई अगर नेक्स्ट कोई बात करेंगे या हो सकता है मैं आपको बोलूंगा कि आप मुझे इंटरव्यू करें किसी दिन। आई लीव इट एट दैट। इस पे हम तो अच्छी बात हमने पहले इंटरव्यू में हुर्रियत की डेफिनेशन और ये सब तो डिफाइन कर लिया था, अब हम पहुंच गए हैं कि हुर्रियत एस्टैब्लिश होती है और अब अगली दफा वी स्टार्ट विद आई लीव इट एट दैट। मैं सुनाजिन से ये कहना चाहता हूं कि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मेरे सीने में हैं, ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि कोई शायद अप्रोप्रियट नहीं होगा कुछ लोगों को यानी कुछ कहा जाए, जो कुछ उस वक्त मैंने सवानी उम्र में लिखा मैं अभी भी कहता हूँ कि मैं किसी जगह मैंने मुबालगा नहीं किया, किसी जगह झूठ नहीं बोला, अपनी अक्ल के मुताबिक अपनी समझ के मुताबिक मैंने लिखा, जो वाकयात मुझे याद आते थे उस तरह डेट आगे पीछे कोई हो गई, ठीक है। बाकी कोई किसी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो मैंने गलत नहीं की, ठीक है। और उसमें अभी आगे आएगा बहुत सी चीज़ें, माउंट खान साहब की गिरफ्तारी आती है बरतानिया यहाँ पर क्या कहते हैं ब्रसल्स में, वो भी मैं तो अब में नहीं जाऊंगा, आई विल गो टू हुरियत नाउ सो दैट वी नहीं लेकिन वो कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, उसमें फारूक जरा साहब तशरीफ लाते हैं। मैंने सोचा मैं अब JKLF को माफ कर दूं, लेकिन चलो अगर आप कहते हैं अजीब इट एट दैट, हम ऐसा करते हैं कि नाज़रीन आपने प्रोग्राम सुना और बिलीव करें कि कम से कम मुझे ये तो खुली थी कि ये चीज सारी आएंगी इस तरीके से, बड़ा हो गया जो हो गया। और ये भी नहीं है मेरे पास, ये अभी लाइव नहीं है जा रहा है कि मेरे पास है, लेकिन मेरे उस अभी ऑनेस्टी का तकाजा है कि जिस तरीके से बात हुई है वो उसी तरीके से जाएगी। मैं इसको किसी जगह से मैं काट ना तो मुझे काटने का पता है, मैं एडिट नहीं कर सकता, इसी तरह जाएगी। आई वुड लुक फॉरवर्ड टू योर व्यूज एंड कमेंट्स। तो आई लीव इट एट दैट, खुदा हाफिज एंड सी यू नेक्स्ट। वैसे मैं मिलता मिलूंगा लेकिन जनरल साहब के साथ मेरे ख्याल में नेक्स्ट ट्यूजडे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।